तो गाइस हम लोग कुछ ऐसी ही लोकेशन पे आए हैं। देखो सामने तो कितना मस्त लग रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट दिए तुमने यार। अरे पेपर छोड़ दिए। पवन मिसिंग कर रही है यार। देखो 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 बंद हो गई बंद हो गई। रॉकेट रॉकेट रॉकेट। हेलो गाइस वेलकम टू द चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस यार आज काफी दिन बाद भाई राइडिंग का ब्लॉग की काफी दिन से मैंने बनाया नहीं था। रीजन आपको पता ही है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। गाइस ये जो माउंट देख रहा हूँ ना चिन माउंट, ये गाइस इस वजह से मेरा राइडिंग का ब्लॉग रुका हुआ था और ये काफी टाइम बाद आया, पेंडिंग में था, आ नहीं रहा था। मेरे पास कल आया था ये, तो मैंने सोचा आज राइडिंग का ब्लॉग बना ही देते हैं। क्योंकि आप लोगों को क्या है, नॉर्मल ब्लॉग में मजा नहीं आ रहा था क्योंकि मैं देख रहा था आप लोगों को मजा नहीं आ रहा था यार, इसलिए मैंने सोचा चलो काफी टाइम हो गया राइडिंग का ब्लॉग लाने चाहिए। तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या सीन रहता है राइडिंग का। तो चलो बाकी बातें रास्ते में करते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ भाई रोड पे। आज काफी दिन बाद भाई राइडिंग हो रही है। होप कि आपको एंगल अच्छा दिख रहा होगा यार, मैंने लगाया है काफी टाइम बाद, काफी लेट हो गया मैं यार इसे लगाने में क्योंकि काफी टाइम बाद लगाया है मैंने। तो आज अच्छा लग रहा है यार राइडिंग करके। आप लोग भी यार बोर हो गए थे, एक ही ब्लॉग दे दिए। देखो ये देखो बोले राइडिंग की शुरुआत होते ही भाई एक्सीडेंट चालू, ये होता अपने साथ। लोग ये सोचते हैं दिन अच्छा ना निकले इसका, कोई ना शुरुआत हो चुकी है फिलहाल। आज काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके मेरे राइडिंग के विषय में। मेरी पब्लिक को पता है क्या चाहिए, मेरी पब्लिक को चाहिए एंटरटेनमेंट, और जो कि वो हो नहीं पा रहा था, जो मैं राइडिंग में कर देता हूँ आपको एंटरटेनमेंट, वो नॉर्मल लोग में नहीं दे पा रहा था। आप लोगों की एक गलती होती है यार, आप लोग रिस्पॉन्स ही देते हो किसी भी चीज़ का यार, रिस्पॉन्स दिया करो भाई और बताया करो यार कि मज़ा नहीं आ रहा है ब्लॉग में, तो हम यार और अच्छा मतलब सोचेंगे उस बारे में। और आप लोग बताते ही नहीं होते यार, मैं क्या ही सोचूंगा ना। आप लोग कमेंट में बताते हो यार, बताया करो यार अच्छा लगता है यार, आप लोग भी कमेंट करते हो वहाँ पता चलता है। तो आप लोग बताओगे ही नहीं तो यार किस टॉपिक पे बात होगी फिर बताओ। मुझे तो लगा भाई आप लोग ठीक है अच्छा लग रहा होगा आपको। भाई भीड़ देखो कितनी हो रखी है, देखते हैं यार आज क्या सीन रहता है। आज भी फिलहाल शूट का ही है अपना सीन। आप लोगों को बता दूं यार तुम्हारा भाई एक्टर है, छोटा मोटा ज़्यादा बड़ा नहीं, एक्टर है, तो इस वजह से शूट वूट चलते रहते हैं यार। और भाई लोग भी ज़्यादातर मुझे ही बुलाते हैं। आज भी यार एक दो शूट थे वो छोड़ के आना पड़े मुझे, क्योंकि यार राइडिंग का ब्लॉग भी लाना ज़रूरी था। क्योंकि यार मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बिल्कुल फ्रीज हो रखा है, मैंने यार 4-5 महीने होगा मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी, फाइनली आके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, मतलब फॉलोवर वगैरह भी इंक्रीज़ हो रहे हैं मेरे, काफ़ी फॉलोवर थे कम से कम 20-25 हज़ार फॉलोवर थे यार, सारे गिर गए क्योंकि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया यार। लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक कर लेंगे यार, अब टाइम नहीं मिल पाता यार, टाइम का सबसे बड़ा इशू है मेरे साथ, मेरे पास यार बिल्कुल टाइम नहीं है, क्या करूँ क्या ना करूँ बस वही माइंड में चलता रहता है। लेकिन आप लोगों से बात करके यार दिल हल्का हो जाता है, बस ये काफ़ी है मेरे लिए। आप लोग क्या है रिस्पॉन्स दिया करो यार, रिस्पॉन्स दोगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा यार। आप लोगों के रिस्पॉन्स से ही हम लोग चलते हैं। राइड के इन्जॉय लो बस, अपनी जावा लुक तो आपने देखा ही है, मैंने ब्लॉग में दिखा रखा था। बाकी अभी इसकी सीट निकलवा देंगे तो और ख़तरनाक लुक करेगी। मैं सोच रहा हूँ भाई यार अब इसकी सीट जो है मैं बदलवा दूँ, थीम है वाइट कलर की है, अभी आपने देखा है वाइट थीम है, अब थीम बदलवा दूँ वाइट से मैं कोई और कलर सोच रहा हूँ। आप लोग कमेंट में बताना कि इसमें कौन सी थीम अच्छी लगेगी। अब जैसे अपनी जो बाइक है बरेली में क्या है, एक ही रॉकेट है भाई अपना, वो जो कि अपने पास ठीक है रैक राइडर के पास है तो एक ही है, तो बिल्कुल यूनिक है कलर है वाइट जैसे यूनिक है बिल्कुल। तो ऐसी कोई कलर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा सही रहेगा। आप लोग बताओगे वैसे ही सोचेंगे फिर उसके बारे में। मैं पेट्रोल काफ़ी कम है और मेरे पे अभी कैश है भी नहीं, तो मुझे ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आगे वाले पेट्रोल पंप पे होता नहीं है, तो मुझे आगे कहीं करवाना पड़ेगा। और यार नेट भी नहीं है मेरे फ़ोन में, नेट भी खत्म हो रखा है। गरीब आई है भाई, गरीब आई देख रहे हो और भाई रिएक्शन देख रहे हो क्या आ रहा है भाई, चलती है भाई। जब से मैंने मॉडिफाई करवाई है ना, इसके रिएक्शन जो तगड़े आते हैं भाई, दिल छू जाते हैं बिल्कुल। जो मेहनत थी ना 5 दिन की भाई, मैं आप लोगों को बता दूँ पूरी मॉडिफिकेशन में पूरे 5 दिन लगे थे भाई इस बाइक को, और उस भाई ने इतने दिल से काम करा था ना भाई, आज जो रिएक्शन आते हैं भाई दिल खुश हो जाता है, ऐसा मेहनत सब वसूल हो जाती है जब रिएक्शन आते हैं। तो बस काफ़ी अच्छा लगता है यार, आप लोग रिएक्शन देते हो और कमेंट करते हो, अब मुझसे बात करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है यार, पता चलता है हाँ हमारी मेहनत जो है वसूल हो रही है। लेकिन आप लोग जब कुछ करते ही नहीं हो ना यार, तो काफ़ी बुरा लगता है, डीमोटिवेट हो जाता हूँ मैं पूरा। फिर मुझे पता है मेरी पब्लिक को पसंद ही नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि यार मेरे जिस हिसाब से चैनल है उस हिसाब से मैं कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ, तो क्या ही मज़ा आएगा। तो वही चीज़ ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्योंकि उस हिसाब का यार कंटेंट नहीं ला रहा हूँ मैं आज से, तुम्हारा भाई लाएगा पूरा कंटेंट। बस बिजी ना हूँ मैं, बिजी होता हूँ ना तो यार ब्लॉग मेरे थोड़े दिन तक टल जाते हैं। मैंने बताया जैसे कि आपको मैं छोटा मोटा एक्टर हूँ, तो यार मेरी एक मूवी भी आ रही है जैसा कि आपको पता ही है, उस काम में लग जाता हूँ मैं यार, तो इस वजह से थोड़ा बिजी हो जाता हूँ तो कंटेंट नहीं आ पाता है। और अब राइडिंग का तो डेली आएगा, हाँ अगर मैं यहाँ पे बरेली में हुआ तो डेली आएगा कंटेंट, अगर मैं बरेली से बाहर हुआ तो मुश्किल है थोड़ा कंटेंट लाने में, लेकिन ब्लॉग डेली आएंगे अब। और डेली का मीन्स ये है एक दो दिन छोड़ के आएंगे ही आएंगे, मतलब एक एक महीने दो दो महीने का गैप नहीं होगा, डेली का मतलब ये है, मेरा डेली यही होता है एक दो दिन का, एक दिन दो दिन टल जाएंगे लेकिन तीसरे दिन ब्लॉग आएगा ही आएगा मेरा। और डेली यार मेरा भी पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मुझे भी कई सारे काम आ रखे हैं, ये मुझे सब कुछ देख के चलना पड़ता है। आगे इधर का आएगा जाम है भाई, ये देखो मतलब दो रोड बना रखे हैं, रॉन्ग रोड आएंगे रॉन्ग साइड आएंगे,
ये सबसे गलत चीज़ है यार, मत आया करो यार। और फैमिली को लेके चल रहे हो, कोई टक्कर मार दे, बहुत सी बातें हैं यार। और यार ये दिल्ली वाली बसें देखो यहाँ भी चलने लगी भाई, बरेली में देख रहा हूँ बिल्कुल साइलेंट बसें हैं बिल्कुल, और काफ़ी फास्ट चलती हैं। और गर्मियों में तो एसी चलता है बिकट, हवा आती है ठंडी ठंडी, मिसिंग कर रही है क्योंकि हमारी बाइक में पेट्रोल नहीं है, बहुत कम है, तो यार मुझे घर जाके ही डलवाना पड़ेगा, बस घर तक पहुँचा दे बाइक। ये फिलहाल इतना धोखा दिया नहीं है आज तक मुझे कभी, बस धोखा वही देती है, कभी पंचर हो जाती है तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। पेट्रोल के मामले में धोखा कभी नहीं दिया इसने मुझे, पेट्रोल के मामले में इन्हें धोखा तभी दिया था मुझे जब मैंने इसे नया नया परचेज करा था। तो उसके बाद मैंने क्या करा था, मैं शोरूम से ला के मैंने सीधे घर पर खड़ी कर दी थी, जब मैं जा रहा था चलाने के लिए तो वहीं मिसिंग कर रही थी बाइक। उसके बाद से आज तक इन्हें कभी धोखा नहीं दिया मुझे। इसमें चोक नहीं है, चोक होती है ना उसे लगा दो पेट्रोल पाइप में, उसे चोक के थ्रू, उस वजह से बाइक क्या थोड़ी आगे तक चल जाती है, लेकिन इसमें चोक ही नहीं है भाई, मुझे पता है, इतना तो भरोसा है बाइक पे। और ये देखो एकदम ब्रेक भाई, बच गए, बच जाती है अभी बाइक टेम्पो में, देखो ग्रिप ही नहीं पकड़ पा रही बाइक, ग्रिप ही नहीं पकड़ पा रही है, पेट्रोल बहुत कम है यार। और हर जगह रोड पर पता है क्या इस बार क्या कर रखा है यार, पूरी बरेली खोद रखी है, देख रहे हो पूरा बरेली में भाई खोदम खादी चली पड़ी है। ये देखो यार इतना मस्त रोड है यार, ये खोद दिया पूरा, ऐसा कोई सा कोना नहीं छोड़ा भाई बरेली का जहाँ पे खोदा ना हो इन लोगों ने, ये डिप बना दिए, वहाँ पे भी खोदा था, आगे भी खोदा हुआ है काफ़ी सारा। तो फिलहाल नेकपुर आने वाले हैं और भाई लोगों को लेते हैं, फिर चलते हैं शूट पे। ये देखो कितना ख़राब रोड कर दिया, इतना मस्त रोड था ना गाइस, ये एकदम चमकता था। और ये बीच रोड ने डिप बना दिए एकदम यार, गाड़ी फास्ट होती है एकदम उछल जाती है। यार अपनी बाइक की हालत भी बहुत खराब हो रखी है, सर्विस मांग रही है, चैन जो होती है ना वो ढीली हो गई है, साइलेंसर से ज्यादा अपने एग्जॉस्ट से ज्यादा बाइक की चैन आवाज कर रही है। ये एक्टिंग लाइन में घुसा हूँ ना टाइम जो है बिल्कुल नहीं रहता मेरे पास, पहले क्या था अपना खाली यूट्यूब ही था, अब क्या एक्टिंग भी देखनी पड़ती है। तो भाई लोग अपनी मूवी देखना, काफी मस्त मूवी है यार, वेब सीरीज है, जाने जहाँ नाम है अपनी मूवी का, तो काफी मस्त मूवी है। जब मूवी आएगी तो हम आपको बात करेंगे उसके बारे में भी। थोड़ी हैवी इंजन की बाइक है ना, तो हैवी इंजन में कह रहा था यार पेट्रोल तुम्हारा रिजर्व से ऊपर रहना चाहिए, रिजर्व में रहेगा तो प्रॉब्लम करेगी बाइक, मिसिंग करेगी और सही से रेस नहीं पकड़ेगी, तो ये हैवी बाइकों में रहता है। अगर तुम स्प्लेंडर चलाओगे ना तो स्प्लेंडर में क्या रहता है, स्प्लेंडर में तुम 50 रुपये का पेट्रोल भी डलवाओगे ना तब भी ग्रिप बना के चलेगी बाइक बिल्कुल। हैवी बाइकों में क्या रहता है, रिजर्व से ऊपर पेट्रोल रहना चाहिए। फाइनली पहुंच चुके हैं, अब ज़्यादा यहाँ डर नहीं है, बंद भी हो जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने लौंडे यहाँ पे आ जाएंगे। मोहल्ले में घुसते जो रिएक्शन आते हैं ना भाई अलग ही, ये देखो देख रहा है रिएक्शन, देखो यार ये देखो रिएक्शन चेक करो यार, देख रहा रिएक्शन, बच्चों के रिएक्शन देखो छोटे छोटे बच्चे यार, इन्हें देख के अपने दिन याद आ जाते हैं भाई स्कूल वाले यार। लाल आ चुके अपने नेकपुर, जो कि अपनी जन्मभूमि है भाई, जन्मभूमि। नमस्ते भैया रैक राइडर और अपने मुगल भाई काफी दिन बाद ब्लॉग में आते हुए ये अभी आ रहा है, पेट्रोल डलवाइए पेट्रोल। लिपसिंग यार नहीं है, बैठ पा रही है यार। तुमसे नहीं बैठ रही, मैंने बैठा के दिए, दिखाऊं फोन, ये है फोन नहीं नहीं मैंने बिल्कुल परफेक्ट दिए, और बाबा क्या हाल है, बिल्कुल परफेक्ट दिए तुम्हें यार। तो गाइस अभी निकल गए फिलहाल पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि बाइक यार बहुत ज्यादा मिसिंग कर रही थी, मैं नहीं चाहता रास्ते में बंद हो जाए, बेइज्जती हो जाए भाई अपनी। पहले पेट्रोल डलवाते हैं उसके बाद निकलते हैं शूट के लिए, पेट्रोल पंप यहाँ से काफी दूर है यार, गलियों में कार कहाँ से घुसेड़ देते हो तुम लोग। बिल्कुल भाई ग्रिप नहीं बना रही है, पेट्रोल कम होता है बिल्कुल ग्रिप नहीं बनाती है ये, देखो 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 बंद हो गई बंद ना हो जाए, बस बंद ना हो जाए यार, पेट्रोल पंप तक चल दियो भाई, चल चल कम ऑन चले 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 जल्दी चले जल्दी चलो, अरे यार टेम्पो बीच में क्यों, चलो बस बस आ ही गया पेट्रोल पंप। एक तो यार ये जल्दी कमॉन रॉकेट रॉकेट रॉकेट, अरे यार ये रुकावट है ना, मुझे डर लगता है फिर ये, रोड
खराब, बहुत ज्यादा रोड खराब है। शिट शिट ओह शिट, बस आ ही गया पेट्रोल पंप। रिजर्व में पेट्रोल रहता है बाइक में, और रिजर्व का यही फायदा होता है, अगर रिजर्व में पेट्रोल भी नहीं छोड़ोगे ना यार तो दिक्कत हो जाएगी। इधर भी आज भीड़ है। A few moments later. तो फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं शूट के लिए। आज की जो लोकेशन है गाइस वो है अक्षय विहार। उधर क्या है यार, रात में लेजर शो भी होता है। पता है क्या हुआ था गाइस मेरे साथ, मैंने वो पूरा लेजर शो का ब्लॉग बनाया था, और वो यार सुबह को क्या कर रहा, मेरे भाई ने डिलीट कर दिया। तो डिलीट हो कैसे गया, ऐसा था VN से मैं एडिट करता हूँ, मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं था। तो स्टोरेज के चक्कर में मैंने भाई को बुलाया, मैंने कहा भाई अपना जो मतलब डाटा है फ़ोन का, जो बेकार डाटा है वो वाला डाटा डिलीट कर दे। उसने क्या करा यार, पहले ना मुझसे पूछा ना कुछ करा, वो पूरा VN ही उड़ा दिया। और पता है मैंने पूरी रात बैठ के यार ब्लॉग एडिट करा था, और उसने भयंकर सुबह को पूरा VN डिलीट कर दिया। तो वो वाला जो लेजर शो वाला ब्लॉग था मैं वो आपको दिखा नहीं पाया। वो अच्छा ब्लॉग था यार, काफ़ी मज़ा आता आप लोगों को देख के। लेजर शो होता है रात में, अक्षर में जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे लेजर शो होता है, तो दिन में तो नहीं होता है फिलहाल, रात में ही होता है। ये देखो रिएक्शन, DRV भाई भी अपना अलग ही छोड़ता है भाई, इसके बैठे बैठे पैर में दर्द होने लगा, अभी ना कोई मेहनत है ना कुछ है। बाइक अपनी ऐसी है, कोई पीछे बैठता तो उसके लायक है नहीं बिल्कुल कंफर्टेबल, क्योंकि क्या है ना पैर रखने की जगह है, सीट भी मैंने एडजस्टेबल लगवाई है भाई, इसमें सीट भी नहीं आती है, तो मैंने सीट भी एडजस्ट करके लगवा दी। मैंने कहा चलो सीट लगा देते हैं। यहाँ का रोड यार बहुत खराब है, बिकॉज क्या है ना ये रेलवे की जगह, तो यहाँ पे रोड तो वैसे ही नहीं पड़ सकता, क्योंकि सारी जितनी जगह देख रहे हो आप ये सारी रेलवे में आती है, यहाँ पे रास्ता थी नहीं, यहाँ पे बनाई गई है। फाइनली गाइस हम आ चुके अक्षर विहार, ये देख सकते हो ये अक्षर विहार। इसे अपनी बाइक की हालत देखो क्या हो रखी है भाई साहब, इतनी गंदी हो रखी है ना, इसकी सर्विस होने को, ये देख रहे हो ये चैन, मैं दिखाऊँ ये चैन देख रहा है, ये चैन इतनी ढीली हो गई है, दिखवाना पड़ेगा, पता लगे रास्ते में चलते चलते टूट गई या उतर गई सॉकेट में से, तो दिक्कत हो जाएगी यार, बाइक की सर्विस भी करानी पड़ेगी। तो चलो फिलहाल अभी अंदर चलते हैं, शूट वूट करते हैं। गाइस हम लोग कुछ ऐसी लोकेशन पे आए, ये पार्क है, और आगे जाके हमें वीडियो बनानी है। बाकी लोकेशन देख सकते हो यार, काफी मस्त लोकेशन है, देख रहे हो क्या मस्त लोकेशन है यार, एक नंबर लोकेशन है। देखो सामने तो कितना मस्त लग रहा है यार, पत्ते झड़ रहा है, ये देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है यार, पतझड़ स्टार्ट हो गया, देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है। आई गई मार्च आने में कितना टाइम है भाई, ये देखो ये इसके क्या लग गया, कितना मस्त लग रहा है, पीछे देखो क्या मस्त है भाई।